ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नगर निगम की सरकारी कार से टकराकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्वालियर के लक्कड़खाना पुल के पास बाइक से जा रहा युवक नगर निगम की कार से टकरा गया। हादसे में युवक की सिर के बल गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिवार ने लक्कड़खाना के पास चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी कोई डिमांड नहीं है, डिमांड मेरी यही है कि उसकी जो मैसेज है, उसका जो बच्चा है, उसके लिए प्रशासन से मेरी दो मांग है। पहली मांग है मेरी उसके जो अर्जाना है वो दिया जाए, प्लस उसके बाद में उसकी बच्चे का पालन पोषण के लिए नौकरी। प्रशासन अगर हमारी नहीं सुनेगा तो हम यहाँ पे रात के 12:00 ही बजेगा तो हम ये देंगे, यही धरना देंगे। थाना माधवगढ़ अंदर लक्कड़खाना पुल है, उस पर एक कल सुबह घटना की सूचना मिली थी, जिसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई शाम को, परिवार जनों द्वारा बताया गया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज और कुछ और एविडेंस भी सामने आए और उनके घर वालों के भी स्टेटमेंट नोट किए गए, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसमें कोई नगर निगम की गाड़ी थी जिसके द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया था। इस पर से हमने अभी गिरधारण हत्या की धाराओं में जो एक्सीडेंट में मृत्यु की धारा है, DNS के अंतर्गत हमने मामला पंजीबद्ध किया है 101 के अंतर्गत और उसको विवेचना में लिया।